हमारे नेताजी का ऐसा व्यवहार रहा है कि वो जनसेवा और जन कल्याण के लिए जाने जाते हैं, तो उनके बर्थडे में हम लोग जन्मदिन के अवसर पर लोगों में कंबल वितरण करने का आज हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं। देखिए, ये महिलाएं हैं जो ठंड में कंबल लेने के लिए आए हैं और इनको लगता है कि पप्पू यादव के पास जाने से हमें एक राहत मिल सकती है, उस राहत का लाभ लेने ये यहाँ पहुंची है। और पप्पू यादव कोई पहली बार ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो देख कर आप कहेंगे कि ये पहली बार कोई ऐसा काम कर रहे हैं। पटना की बाढ़ देखिए, कोरोना की काल देखिए, अस्पताल से लेकर शमशान तक उनका आप लोगों ने देखा। पप्पू यादव के जन्म दिवस पे हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है, और जैसा कि उनका प्रतिदिन का जो कार्य योजना है गरीबों के सुख दुख में सहभागी होना, उसी विचारों को उसी सिद्धांतों को पार्टी के सारे नेता अपनाते हुए हर जन्मदिन के अवसर पर कम्बल वितरण का काम, भोजन का काम। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी का आज 57वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने गरीबों में कम्बल बांटने का एक प्रयास किया। आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे कंबल रखे हुए हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो गरीब हैं, और आप जानते हैं कि ठंड में सबसे बड़ी समस्या होती है कंबल और रजाई, सोने और रहने का। सोने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आपके पास कंबल नहीं होता है तो आप ठंड में ठिठुर कर आपकी कभी कभी जाने भी जा सकती है। हालांकि आप सोचिएगा कि ये कौन सी बड़ी बात है कंबल बांटना, कंबल तो हजारों लोग बांटते हैं, लेकिन ये वो पप्पू यादव हैं जो आज ही नहीं, आज के अलावे भी हर रोज गरीबों का मदद करने का काम करते हैं और किसी भी समस्या से पीड़ित लोगों का हमेशा आर्थिक मदद करते हैं। हमने सोचा आज उनका जन्मदिन भी है और इस शुभ घड़ी में जब वो एक अच्छे काम कर रहे हैं तो उस काम को आप लोगों के बीच दिखाया जाए और बताया जाए। हमारे पीछे आप देखिए, ये कंबल रखा हुआ है, ये सारी माताएं बहनें हैं जो कंबल लेने आई हैं। आज 57वां जन्मदिवस है, क्या कहेंगे भैया पप्पू यादव जी? देखिए, आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 57वां जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में पार्टी और पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी हम लोगों ने, चूँकि हमारे नेताजी का ऐसा व्यवहार रहा है कि वो जनसेवा और जन कल्याण के लिए जाने जाते हैं, तो उनके बर्थडे में हम लोग जन्मदिन के अवसर पर लोगों में कंबल वितरण करने का आज हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं, जिससे कि आम गरीब लोग जो ठंड में किकुड़ कर गुजारा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आज हम लोग थोड़ा राहत देने का प्रयास करेंगे। लगभग कितने लोगों को आज आप कंबल बांटेंगे ये बताइए? आज हम लोग करीब करीब 2500 कंबल अभी तत्काल हम लोग बांटने का प्रबंध यहाँ पर करके रखे हैं, 2500। गौतम जी भी मौजूद है, क्या कहेंगे गौतम जी? आज 57वां जन्मदिन है पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव के जन्म दिवस पे हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है, और जैसा कि उनका प्रतिदिन का जो कार्य योजना है गरीबों के सुख दुख में सहभागी होना, उसी विचारों को उसी सिद्धांतों को पार्टी के सारे नेता अपनाते हुए हर जन्मदिन के अवसर पर कंबल वितरण का काम, भोजन का काम यह कराते आए हैं, और जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर से यही कामना है जो पप्पू यादव जी का जो राजनीतिक लक्ष्य है, सामाजिक लक्ष्य है, वो पूर्ण हो, राजनीति में जो उनका लक्ष्य है वो मिले और स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और मजबूती से जनता का दुख दर्द दूर करे, अन्याय और के खिलाफ लड़े, न्याय की जो उम्मीद है जनता को उनसे वह दिलाने में मजबूती से आगे आए। क्या कहेंगे पुरुषोत्तम जी, आज पप्पू यादव का जन्मदिन है, 57वां जन्मदिन, सेवा एवं न्याय का दिवस हम लोग मना रहे हैं। पप्पू यादव का हमेशा रहा है समर्पित। पटना की बाढ़ देखिए, कोरोना की काल देखिए, अस्पताल से लेकर शमशान तक उनका आप लोगों ने देखा। हम लोग सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, और जो भी आज के दिन हम लोग के पास आते हैं उसे खाली पेट एवं कड़ाके की ठंड में बिना कम्बल के हम लोग जाने नहीं देते यहाँ से, और हम लोग का एक ही लक्ष्य है सेवा करना। देखिए, हमारे पीछे कंबल वितरण शुरू हो चुका है और जितने भी गरीब लोग अभी कंबल के लिए यहाँ आए हैं, कंबल लेकर जा रहे हैं, लगातार ये लोग कंबल बांटने का जो काम है वो कर रहे हैं, और इनका कहना है कि आज 2500 लोगों को हम कंबल वितरण करेंगे। कंबल वितरण के लिए आई हैं चाची, कंबल लेने के लिए आई हैं? ठंड में दिक्कत होती है आप लोगों को? ठंड में दिक्कत होती है आप लोगों को? अच्छा, पप्पू यादव कैसे नेता है, क्या लगता है? देखिए, ये महिलाएं हैं जो ठंड में कंबल लेने के लिए आए हैं, और इनको लगता है कि पप्पू यादव के पास जाने से हमें एक राहत मिल सकती है, उस राहत का लाभ लेने ये यहाँ पहुंची है। और पप्पू यादव कोई पहली बार ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो देख कर आप कहेंगे कि ये पहली बार कोई ऐसा काम करते हैं। हमेशा गरीबों की मदद करने वाले पप्पू यादव आज अपने जन्म दिवस पर भी इसी काम को लगातार कर रहे हैं, गरीबों को ठंड से राहत दिलाने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 2500 लोगों को आज कंबल दिया जाएगा।
जाएगा उनके जन्मदिन के अवसर पे। लेकिन एक सवाल है जो आज हमारे जहन में आ रहा है कि जब लोगों की मदद करने की बात आती है तो बिहार में एक नाम सबके दिमाग में आता है, वो नाम है पप्पू यादव। अगर आपको कहीं से मदद नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हम जाएंगे तो हमें वहाँ से मदद जरूर मिलेगी, लेकिन जब बारी आती है वोट की, जब बारी आती है चुनाव की, तब शायद आप इस बात को भूल जाते हैं कि पप्पू यादव जो गरीबों के मसीहा फिलहाल कहे जाते हैं बिहार में, आखिर उनका क्या योगदान है। हमें नहीं पता कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है। महज 500 रुपये पे और एक दारू की बोतलों पे आप बिक जाते हैं और ऐसे ऐसे अच्छे लोगों को जो लगातार समाज सेवा का कार्य करते हैं उनको भी आप भूल जाने का काम करते हैं। जब आप कहते हैं कि बिहार में इतनी दिक्कतें हैं तब नाम याद आता है पप्पू यादव का, लेकिन जब आपकी बारी आती है तब आप भूल जाते हैं, ये कितना सही है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, पीछे कंबल बांटा जा रहा है, जितने भी गरीब लोग हैं लगातार कंबल लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं और एक नहीं हजारों हजार कंबल यहाँ पे रखा हुआ जो आज वितरण किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।